क्वेश्चन नंबर एट इन फिगर ओ इज अ सेंटर ऑफ द सेक्टर एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल एम ओ एन इज इक्वल टू सिक्सटी डिग्री ओ आर इज इक्वल टू सेवन सेंटीमीटर एंड ओ एम इज़ ट्वेंटी वन सेंटीमीटर फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क आर एस क्यू एंड आर्क एम वाई एन क्या बोला है ओ इज द सेंटर ऑफ द सेक्टर ओ क्या है इस सेक्टर का और सेक्टर दोनों सेक्टर का क्या है सेंटर है ओ आर क्यू और एम एन ओ ओ आर ओ क्यू और एम ओ एन दोनों भी क्या है? एंगल सिक्सटी डिग्री ओ आर मत, मतलब छोटे सेक्टर का रेडियस कितना है सेवन और ओ एम बड़े सेक्टर का रेडियस कितना है ट्वेंटी वन तो दोनों का हम लोग को लेंथ फाइंड करना है ना तो पहले छोटा सेक्टर का फाइंड करेंगे फॉर आर्क आर एस क्यू उसके लिए रेडियस कितना है सेवन थीटा कितना है सिक्सटी लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लगा दिया थीटा अपन थ्री सिक्सटी इंटू टू पाई आर थीटा का वैल्यू सिक्सटी अपॉन थ्री सिक्सटी इंटू टू पाई का वैल्यू दिया था हमको ट्वेंटी टू बाई सेवन इंटू आर का वैल्यू सेवन 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 कैंसल थर्टी सिक्स जीरो जीरो कैंसल सिक्स वन जर सिक्स 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 जो थर्टी सिक्स क्या बज गया सिक्स बज गया फिर टू सी कैंसल टू वन जी टू टू थ्री सिक्स ये थ्री बाकी है अभी यहाँ पर ऊपर क्या बज गया ट्वेंटी टू नीचे क्या बच गया थ्री तो ट्वेंटी टू डिवाइड बाई थ्री कितना आ गया सेवन पॉइंट थ्री थ्री सेंटीमीटर सेम फॉर आर्क एम वाई एन थीटा कितना हमारे पास ए, रेडियस कितना है बड़ा वाला रेडियस ट्वेंटी वन सेंटीमीटर थीटा तो सेम ही है सिक्सटी डिग्री लेंथ तो ऑफ आर्क थीटा अपन थ्री सिक्सटी इंटू टू पाई आर थीटा सिक्सटी अपन थ्री सिक्सटी टू टू पाई का वैल्यू अपॉन आर तो सेवन से कैंसिल हो गया ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी वन कितना आ गया थ्री ज़ा फिर ज़ीरो जीरो कैंसिल सिक्स वन ज़ा सिक्स सिक्स ज़ा थ्री वन ज़ा थ्री टू जो सिक्स टू बचेगा टू टू कैंसिल क्या बच गया सिर्फ ट्वेंटी टू समझ गया अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन इन फिगर इफ एरिया ऑफ पी ए बी सी इज इक्वल टू वन फिफ्टी फोर सेंटीमीटर स्क्वायर रेडियस ऑफ द सर्कल इज फोर्टीन सेंटीमीटर फाइंड द एंगल एपीसी एंड लेंथ ऑफ आर्क ए बी सी क्या दिया है जो एरिया है ना इस सेक्टर दिख रहे हैं ना पी ए बी सी मतलब पी सेंटर है और ए बी सी तुम्हारा आर्क तो इस आर्क और इस सेंटर से जो सेक्टर बन रहा है उसका एरिया मुझे दिया है वन फिफ्टी फोर और रेडियस सर्कल का दिया है कितना फोटीन फाइंड करना है ए पी सी ए पी सी मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है कितना होगा और बाद में इस आर्क का लेंथ भी फाइंड करना है तो पहले तो मुझे एरिया पता है तो इधर का हमने लगाऊंगा एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन थ्री सिक्सटी इंटू पाई आर स्क्वायर तो एरिया कितना दिया है वन फिफ्टी फोर ये थीटा नहीं मालूम थ्री सिक्सटी इंटू पाई का ट्वेंटी टू बाई सेवन इंटू आर स्क्वायर मतलब फोर्टीन इंटू फोर्टीन सबको भेज दिया उधर तो थ्री सिक्सटी और सेवन अपॉन में थे वो आ गए ऊपर और ये ट्वेंटी टू फोर्टीन फोटीन ट्वेंटी टू फोर्टीन फोर्टीन आगे नीचे तो ट्वेंटी टू वन जै ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू सेवन जै वन फिफ्टी फोर फिर सेवन से कैंसिल होगा हो गया सेवन वन जॉ सेवन सेवन टू जो फोर्टीन सेवन वन सेवन सेवन टू कितना बच गया थ्री सिक्सटी अपन टू टू जो फोर तो फोर वन जो फोर फोर नाइन ज़ा थर्टी सिक्स कितना आ गया नाइन्टी तो थीटा मिल गया नाइन्टी मतलब एंगल ए पी सी इज इक्वल टू एंगल इस मिलने के बाद लेंथ फाइंड करना है तो लेंथ ऑफ तो फार आर्क का फॉर्मला क्या होता है थीटा अपन थ्री सिक्सटी इंटू टू पाई आर थीटा मिला को नाइन्टी अपन थ्री सिक्सटी टू ये पाई और ये आर नाइन्टी वन जा ना ज़ीरो जीरो कैंसिल हो गया नाइन वन जा नाइन नाइन फोर ज़ा थर्टी सिक्स टू वन जा टू 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 ज़ा फोर बाद में सेवन वन जा सेवन सेवन टू जै टू से पहले कैंसिल किया तो कितना गया सेवन 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 कैंसिल क्या बच गया सिर्फ ट्वेंटी टू सेंटीमीटर फॉर्मूला पुट करके सॉल्व करना है रेडियस ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज सेवन सेंटीमीटर इफ मेजर्स ऑफ आर्क ऑफ द सेक्टर इज क्या बोला है रेडियस ऑफ सेक्टर ऑफ रेडियस सर्कल सर्कल के सेक्टर का रेडियस कितना दिया है सेवन तो मेजर्स ऑफ आर ऑफ़ द सेक्टर और थीटा दिया हमको क्या फाइंड करना है उसका एरिया ऑफ सेक्टर तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है थीटा अपॉन थ्री सिक्सटी इंटू पाई आर स्क्वायर थीटा का वैल्यू यहाँ पर दिया हमको थर्टी पाई का वैल्यू ट्वेंटी तो टू तो बाई सेवन लेंगे क्योंकि रेडियस सेवन दिया है तो एक सेवन सेवन कैंसिल ये कैंसिल हो गया जीरो जीरो थ्री वन जो थ्री थ्री ट्वेल्व सिक्स फिर टू से कैंसिल करेंगे टू सिक्स जै ट्वेल्व टू इलेवन ज़ा ट्वेंटी टू क्या बज गया एलेवेन और ये सेवन तो सेवेंटी सेवन अपन क्या बज गया सिक्स डिवाइड कर दिया कितना आ गया ट्वेल्व पॉइंट एट थ्री सेंटीमीटर स्क्वायर सेम उसका ये सब क्वेश्चन है यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना दिया टू टेन तो थीटा का जगह पे क्या आ जाएगा टू टेन बाकी सब तो सेम ही होगा जीरो ज़ीरो कैंसिल सेवन थ्री जा थ्री सेवन ज़ा ट्वेंटी वन और थ्री ट्वेल्व जा थर्टी सिक्स एक सेवन सेवन कैंसल टू से टू सिक्स जै ट्व और टू इलेवन जै ट्वेंटी टू क्या बज गया सेवन इलेवन सेवन सेवन इलेवन सेवन ओपन में क्या बच गया सिक्स तीनों का में मल्टीप्लाई किया कितना आ गया फाइव थर्टी नाइन डिवाइड बाई सिक्स डिवाइड करने के बाद एट्टी नाइन पॉइंट एट थ्री सेंटीमीटर स्क्वायर अगला सेम सब टाइप सब क्वेश्चन है थ्री राइट एंगल्स अब थ्री राइट एंगल्स का मतलब क्या हो गया थ्री इंटू राइट एंगल राइट एंगल मतलब नाइन्टी थ्री इंटू नाइन्टी कितना होता है टू सेवेंटी मतलब यहाँ पर भी हमको एंगल ही दिया है लेकिन वो वर्ड्स के फॉर्म में दिया है तो थ्री राइट एंगल का मतलब होता है थ्री इंटू नाइन्टी इज इक्वल टू टू सेवेंटी डिग्री तो थीटा हो गया टू सेवेंटी हमको वापस एरिया सेक्टर फाइंड करना है तो टू सेवेंटी सिक्सटी इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर एक एक सेवन कैंसिल जीरो जीरो कैंसिल नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन नाइन फोर जा थर्टी सिक्स टू टू ज़ा फोर टू इलेवन जा ट्वेंटी टू थ्री इलेवन सेवन थ्री इलेवन सेवन अपन में टू मल्टीप्लाई कर दिया टू टर्टी वन अपन टू डिवाइड करने के बाद आंसर आ गया वन फिफ्टीन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर समझ गया मतलब एक ही क्वेश्चन में थीटा के तीन अलग अलग वैल्यू दिए थे तो तीनों को एक एक बार पुट करके कर हमको एरिया सेक्टर फाइंड करना है अगला क्वेश्चन है इलेवेंथ द एरिया ऑफ अ माइनर सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज थ्री पॉइंट एट फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया दिया है हमको सेक्टर का एंड द मेजर ऑफ इट्स सेंट्रल एंगल इज़ थर्टी सिक्स सेंट्रल एंगल भी दिया है थर्टी सिक्स फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल क्या फाइंड करना है हमको रेडियस एरिया ऑफ सेक्टर दिया है थीटा दिया है और रेडियस फाइंड करना है तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है थीटा अपॉन थ्री सिक्सटी इंटू पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सेक्टर दिया है एट पॉइंट थ्री पॉइंट एट फाइव इज इक्वल टू थीटा की जगह पे थर्टी सिक्स अपॉइंट थ्री सिक्सटी इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर तो थर्टी सिक्स वन 36 थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स थ्री सिक्सटी हो गया अब जो जो बच्चे सबको वहाँ पर लेके जाएंगे तो ये टेन और ये सेवन अपन में वहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा टेन और सेवन मल्टीप्लाई में आ गए और ट्वेंटी टू जो ऊपर तो आ गया नीचे आ गया अब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले टू से टू से कैंसिल किया टू वन जा टू टू वन जा टू टू फाइव जा टू, टू टेन अब अलेवन से डायरेक्ट कैंसिल करेंगे इसको इलेवन वन जलेवन एलेवन थ्री थर्टी थ्री लेवन फाइव जी फिफ्टी फाइव पॉइंट दो के बाद था इसलिए पॉइंट दो के बाद लगा दिया क्या बच गया पॉइंट थ्री फाइव इंटू फाइव सेवन ज़ा थर्टी फाइव अब यहाँ पर पॉइंट है यहाँ पर पॉइंट नहीं है मुझे स्क्वायर निकालना है तो पहले पॉइंट को हटा दूंगा मैं पॉइंट को हटाने के लिए ने क्या करना पड़ेगा हंड्रेड से मल्टीप्लाई डिवाइड तो ऊपर हंड्रेड से मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट हट गया और नीचे हंड्रेड से मल्टीप्लाई किया तो वो हंड्रेड आ गया अब मुझे क्या करना है स्क्वायर रूट लूंगा तो दो थर्टी फाइव का क्या हो जाएगा एक थर्टी फाइव और हंड्रेड का स्क्वायर रूट कितना होता है टेन तो थर्टी फाइव अपॉन टेन गया मुझे आर का वैल्यू टेन से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इन फिगर कॉडिलेट्रल पी क्यू आर एस इज इफ पी क्यू इज इक्ल टू फोर्टीन सेंटीमीटर क्यू आर इज इक्वल टू ट्वेंटी वन सेंटीमीटर फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट एक्स वाई एंड जेड क्या बोला है जो पी क्यू आर एस ये दिख रहा है ये कि एक रेक्टेंगल है उसमें पी क्यू का लेंथ दिया है हमको फोर्टीन सेंटीमीटर पी क्यू कितना दिया है फोर्टीन और क्यू आर का लेंथ दिया क्यू आर का लेंथ कितना दिया है ट्वेंटी पॉइंट सेंटीमीटर तो फाइंड करना है ये एक सेक्टर है एक्स ये एक सेक्टर है वाई और ए रिमेनिंग पोर्शन है जेड इन तीनों एक्स वाई जेड का वैल्यू हमको फाइंड करना है कैसे करेंगे तो पहले तो ये तुम्हारा रेक्टेंगल है रेक्टेंगल है और प्लस ये जो पी क्यू है और एक क्यू एम है वो, वो सेम रेडियस होगा क्योंकि एक सेक्टर बन रहा है ना उससे तो किसी भी सेक्टर के दोनों रेडियस क्या होते हैं इक्वल तो अगर ये फोर्टीन है तो ये भी कितना हो जाएगा फोर्टीन ये पूरा ट्वेंटी वन है तो ट्वेंटी वन में से फोर्टीन गया कितना बच गया सेवन तो पहले मैंने उसको ही सॉल्व किया है पी क्यू इज इक्वल टू फोर्टीन दिया था लेकिन जो क्यू एम और पी क्यू है दोनों भी क्या रहेंगे इक्वल तो क्यू एम भी कितना हो जाएगा फोर्टीन रेडिया ऑफ सेम आर्क उसके बाद ये पूरा जो क्यू आर है कैसे बनता है क्यू एम प्लस एम आर क्यू आर इज इक्वल टू क्यू एम प्लस एम आर तो क्यू आर का जगह पे कितना आ गया ट्वेंटी वन क्यू एम मुझे मिला फोर्टीन एम आर नहीं मालूम था फोर्टीन चाहिए उधर माइनस हो गया ट्वेंटी वन माइनस फोर्टीन कितना आ गया सेवन एम आर इज इक्वल टू सेवन अब मुझे इसका भी रेडियस पता है और इसका भी रेडियस पता है तो दोनों आर्क क्या निकाल लूंगा मैं एरिया तो एक्स वाले के लिए रेडियस मिल गया फोर्टीन थीटा तो नाइनटी ये क्योंकि रेक्टेंगल है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मला क्या होता है थीटा अपॉन थ्री सिक्सटी इंटू पाई आर स्क्वायर थीटा नाइन्टी अपॉन थ्री सिक्सटी इंटू पाई इंटू आर मतलब दो बार लिखेंगे स्क्वायर है इसके लिए जीरो जीरो कैंसिल नाइन वन जा नाइन फोर जा थर्टी सिक्स फिर टू टू जो फोर टू टू वन जू टू वन जॉ टू वापस टू से कैंसिल करेंगे टू कैंसिल हो गया सेवन जा सेवन टू जा फोरटीन क्या क्या बच गया लेवन और 14 तो 11 फोर्टीन जा वन फिफ्टी फोर सेंटीमीटर स्क्वायर ये मिल गया एक्स के लिए सेम फॉर वाई रेडियस कितना तो मिला हमको सेवन थीटा नाइन्टी रेक्टेंगल एंगल एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन थ्री सिक्सटी पाई आर स्क्वायर प्लस नाइन्टी अपन थ्री सिक्सटी ट्वेंटी टू बाई सेवन और सेवन इंटू सेवन जीरो जीरो कैंसल नाइन वन जा नाइन फोर जा सेवन सेवन कैंसल टू टू जो फोर टू अलेवन जी ट्वेंटी टू अलेवन सेवन सेवेंटी सेवन अपॉन टू डिवाइड कर दिया कितना आ गया थर्टी एट पॉइंट फाइव आप डाइग्राम में देखो ये जो Z है वो किसी से सेक्टर सेक्टर के शेप का है क्या नहीं किसी नॉन शेप का है क्या नहीं कुछ तो अलग ही है ना तो क्या कर सकते हैं हम मुझे एक्स पूरा पता है वाई पूरा पता है तो ये पूरा रेक्टेंगल में से मैंने इतना पार्ट कट कर दिया इतना पार्ट कट कर दिया तो खाली जेड ही बचा ना तो Z का निकलने के लिए हमला क्या बन जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एक्स माइनस वाई तो क्या बोल सकते हैं अपन फॉर Z एरिया ऑफ Z इजिकल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एक्स माइनस वाई तो Z के लिए एरिया रेक्टेंगल फॉमला क्या था लेंथ इंटू ब्रेथ लेंथ दिया है फोर्टीन ब्रेथ दिया है ट्वेंटी वन माइनस वन फिफ्टी फोर माइनस थर्टी एट पॉइंट फाइव तो फोर्टीन इंटू ट्वेंटी वन कर दिया तो टू नाइन्टी फोर माइनस दोनों माइनस माइनस था तो क्या हो गया एड माइनस माइनस एड साइन माइनस का वन नाइन्टी टू पॉइंट फाइव माइनस करने के बाद आंसर आ गया वन नाट वन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर समझ गया अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टीन ट्राइंगल एल एम एन इज अक्वीलेटरल ट्राइंगल एल एम एन इज इक्वल टू फोर्टीन सेंटीमीटर एज शो इन फिगर थ्री सेक्टर आर ड्रॉन विद द वटेसिस एज सेंटर एंड रेडियस सेवन सेंटीमीटर ये ट्राइंगल एक्विलेटर ट्राइंगल एलेमेंट उसको जो साइड हो कितना दिया फोर्टीन और हर एक वटैसेज को सेंटर एजूम करके एक आर्क बनाया सेक्टर बनाया ना इसको जो हम उसके एक सेक्टर बनाया है हर एक का रेडियस कितना है सेवन 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 तो फाइंड क्या करना है हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल एलेमेंट बुरे ट्राएंगल का एरिया फाइंड करना है बाद में एरिया ऑफ एनी वन सेक्टर किसी एक सेक्टर का एरिया फाइंड करना है टोटल एरिया ऑफ ऑल थ्री सेक्टर तीनों सेक्टर का एरिया फाइंड करना है फिर देन द शेडेड रीजन और जो बीच में बच गया पार्ट उसका एरिया फाइंड करना है तो पहले एरिया फाइंड करेंगे अपन ट्राइंगल का ट्राइंगल कौन सा इक्लर ट्राइंगल है तो एरिया ऑफ इक्लर ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है रूट थ्री अपऑन फोर इन साइड स्क्वायर फॉर्मूला याद कर लेना हमने इसके पहले देखा होगा एट या सेवन स्टंड्रेड में नहीं याद है तो याद कर लो अभी एरिया ऑफ इक्वलैट्रल ट्रेंगल इज इक्वल टू रूट थ्री बाई फोर इंटू साइड स्क्वायर तो एरिया ऑफ इक्वेलेटर ट्रैंगल मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल एलेमेन रूट थ्री अपन फोर साइड का वैल्यू कितना दिया फोर्टीन तो इंटू फोरटीन तो फोर टू जॉ टू टू जॉ फोर सेवन टू ज फोटीन बाद में वापस रूजी का आंसर किया सेवन आ गया तो सेवन सेवन जा फोर्टी नाइन इंटू रूट थ्री रूट थ्री का वैल्यू मुझे पता है कितना होता है वन पॉइंट सेवन थ्री मल्टीप्लाई कर दिया कितना आ गया एटी फोर पॉइंट सेवन सेवन सेंटीमीटर स्क्वायर फिर एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है थीटा अपॉन थ्री सिक्सटी इंटू पाई आर स्कवा दिया है आया इक्वेटर ट्रायंगल है इक्वेटर ट्रायंगल में हर एक एंगल कितना होता है सिक्सटी डिग्री का होता है सिक्सटी अपॉन थ्री सिक्सटी अपॉन थ्री डिवाइड कर दिया ट्वेंटी फाइव पॉइंट सेवन सिक्स सेवन सेंटीमीटर स्क्वायर एक का एरिया मिल गया तो तीनों भी क्या है सिमिलर है क्योंकि सबका रेडियस सेम है और एंगल भी सेम है तो एरिया ऑफ थ्री सेक्टर्स क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई कर देंगे थ्री से जो एक का मिला था तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय थ्री थ्री से मल्टीप्लाई करने का कर कितना आ जाएगा सेवेंटी सेवन सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ शेडेड रीजन अभी जो बचा हुआ पार्ट था बीच का पार्ट कैसे मिलेगा पूरे ट्राइंगल में से इसको इसको माइनस कर दूंगा ना क्या मिलेगा एरिया ऑफ ट्राइंग एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर माइनस कर दिया आ गया आंसर समझ गया